डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, इसके पहले हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें कि पॉलीनोमियल के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में, ऑन द बेस ऑफ टर्म भी और ऑन द बेस ऑफ डिग्री भी। और हम स्टेप बाय स्टेप पॉलीनोमियल को थोड़ा समझेंगे, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा आते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है पॉलीनोमियल का। तो पहले हम लीनियर पॉलीनोमियल में आते हैं। तो लीनियर पॉलीनोमियल है कि ये पॉलीनोमियल है डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल। इट हैज मैक्सिमम वन जीरो, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी आर रियल नंबर। ठीक है, ये पॉलीनोमियल है डिग्री वन और डिग्री जो देखने आता है, सब लोग इससे पहले बता चुके हैं कि पॉलीनोमियल में जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वही उस पॉलीनोमियल का डिग्री होता है। और हम डिग्री के बेस पे कुछ कैटेगरी को पॉलीनोमियल को डिवाइड किए हुए हैं। तो फर्स्ट डिग्री का जो पॉलीनोमियल होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल बोलते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2x + 3 एक लीनियर पॉलीनोमियल है, सिर्फ 2x लिखेंगे तो एक लीनियर पॉलीनोमियल है। ठीक है ना, तो दिया हुआ है ए नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कि x का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो इक्वल टू हो जाएगा तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। तो सिर्फ बी बचेगा तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल नहीं रहेगा, तो उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा। इसलिए जो कोएफिशिएंट ऑफ ए है इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। ये लीड करता है इस पॉलीनोमियल को, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला जो टर्म होता है वही लीडिंग टर्म होता है किसी पॉलीनोमियल का। वो आइडेंटिफाई करता है कि पॉलीनोमियल का कैटेगरी क्या है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। सर बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसी। अब कुछ अब एग्जाम्पल एक लेके थोड़ा ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए लेट वाई इक्वल टू 2x + 3। सपोज कीजिए एक वाई इक्वल टू 2x + 3 एक लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका दो तीन वैल्यू निकालना होगा खुद से। वैल्यू ऐसा लेंगे, सब ग्राफ है तो आप लोग पिछले क्लास में ड्रॉ किए हैं। आप लोग वैल्यू बहुत बड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लेना है, जीरो के आस पास का ही इंटीजर लेना है। और देखना है कि जो वैल्यू किसी भी जैसे एक्स के वैल्यू से पुट करेंगे खुद से अपने से मिलेगा। तो वाई के वैल्यू ऐसा नहीं आना चाहिए कि फ्रैक्शन में आए, फिर डेसिमल में आए, फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि इसका जो इंटीजर के फॉर्म में है, होल नंबर के फॉर्म में है, तो उसको ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा आसान रहता है। तो यहाँ हम लोग आते हैं, तो एक्स के वैल्यू में सपोज कीजिए हम जीरो रखते हैं, 2 × 0 जीरो हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा, वाई के वैल्यू 3 हो जाएगा। एक्स के वैल्यू में सपोज कीजिए हम -1 रखते हैं, तो 2 × -1 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो वाई के वैल्यू 1 हो जाएगा। सपोज कीजिए हम एक्स के वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 = 2 2 3 ये 5 हो जाएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू हम -2 रखते हैं तो -2 × -2 - 4 3 - 4 - 1, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गया। अब हम ग्राफ कॉपी में हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जो ये मान लीजिए 1 2 3 -1 - 2 - 3 1 2 3 4 5 -1 - 2। अब देखिए x के वैल्यू 0 तो y के वैल्यू 3, x के वैल्यू 0 यहाँ है तो y के वैल्यू 3 यहाँ है। कोऑर्डिनेट लिखना जरूरी होता है। x के वैल्यू -1 तो y के वैल्यू 1, x के वैल्यू -1 तो y के वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगा -1 1।
एक्स के वैल्यू 1 तो वाई के वैल्यू 5, 1 तो वाई के वैल्यू 5। एक्स के वैल्यू -2 तो वाई के वैल्यू -1, -2 तो -1। आइस हम लोग ड्रॉ कर देंगे लाइन ड्राइंग के स्केल से। ये से ग्राफ हो गया, इस ग्राफ पर इक्वेशन को लिख देंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे कि ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करता है इसी का वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 ही होगा। ये कहाँ कट किया, -1 और -2 के बीच में किया, मीन्स कि ये हो जाएगा कितना 1.5, -1.5 मीन्स कि -3/2 इसका 0 होगा। ऐसे भी आप निकाल के देख लीजिए, 0 जब भी किसी पॉलीनोमियल का निकालेंगे तो उसको हम 0 को इक्वल कर देंगे। तो 0 इक्वल करते x का वैल्यू निकाल लीजिए तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, -3 x इक्वल टू -3 होगा, ठीक है। तो हम किसी भी पॉलीनोमियल का 0 हम अलजेब्रिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं और हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि लीनियर पॉलीनोमियल का 0 सिर्फ एक ही होता है मैक्सिमम, इसलिए सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता है x एक्सिस को। किसी भी पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जितना टाइम्स कट करेगा उतना नंबर ऑफ उसका जीरोज हो जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 0 2 होता है तो मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करेगा, क्यूबिक का 3 होता है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स कट करेगा x एक्सिस को। x एक्सिस को जहाँ पे कट करता है पॉलीनोमियल का लाइन वही उस पॉलीनोमियल का जीरोज होता है। तो इस पॉलीनोमियल का लाइन ये हो गया x एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट जाएगा -1/2 और 0, मीन्स कि x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू 0। तो यही आपका एफ साइसा जो हो जाएगा वही आपका 0 हो जाएगा। वो भी किसी पॉलीनोमियल का जो लाइन है वो x एक्सिस जहाँ पे कट करेगा उसका जो उस पॉइंट का जो एफ साइसा होगा वही आपके पॉलीनोमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऑलवेज लीनियर पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जेंटेशन ऑफ लिनियर पॉलीनोमियल इन ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लिनियर पॉलीनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो लिनियर पॉलीनोमियल का ये होता है।